ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मैच एडिलेड में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में वेस्टइंडीज की टीम पहली पारी में 186 रन बनाकर सिमट गई, जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने ऑल आउट होने तक पहली पारी में 283 रन बनाए। वेस्टइंडीज के लिए शमर जोसेफ ने घातक गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट झटके। जोसेफ के जीवन की कहानी काफी दिलचस्प है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वो एक साल पहले सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते थे। शमर जोसेफ ने ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी के दौरान शानदार बॉलिंग, उन्होंने 20 ओवरों में 94 रन देकर 5 विकेट झटके। जोसेफ ने 2 मेडन ओवर भी निकाले। दिलचस्प बात ये भी है कि वो अपना डेब्यू टेस्ट मैच खेल रहे हैं। जोसेफ इससे पहले डोमेस्टिक क्रिकेट खेल चुके हैं और इसमें अच्छा परफॉर्म किया है। उन्होंने फर्स्ट क्लास मैचों की 10 पारियों में 21 विकेट झटके हैं। इस दौरान 41 रन देकर 5 विकेट लेना एक पारी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। जोसेफ लिस्ट ए में 2 विकेट ले चुके हैं। बता दें, जोसेफ क्रिकेट को लेकर काफी समर्पित रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जोसेफ ने बताया कि उन्होंने एक साल पहले तक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी की थी, लेकिन क्रिकेट खेलने के लिए इसे छोड़ दिया। उन्होंने कहा, मैं एक कंपनी के लिए सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा था। वहाँ 12 घंटे की लंबी शिफ्ट लगती थी, ये दिन से रात तक चलती थी। ऐसी स्थिति में क्रिकेट नहीं खेल पाता था, इसलिए वो नौकरी छोड़ दी। बता दें कि जोसेफ ने वेस्टइंडीज के लिए पहली पारी में बैटिंग भी अच्छी की। उन्होंने 41 गेंदों का सामना करते हुए 36 रन बनाए। जोसेफ की इस पारी में 3 चौके और 1 छक्का शामिल रहा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।